नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। तरंग हिंदी पाठ्य पुस्तक बाय ब्रेन रूट सीरीज से आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों पाठ संख्या 5। और क्या नाम है पाठ संख्या 5 का? पाठ संख्या 5 का शीर्षक है उमंग और उल्लास का पर्व दीपावली। सो आप सबको अच्छी लगती होगी दीपावली मनानी, तो चलिए आज हम दीपावली के बारे में कुछ और अत्यंत महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। उससे पहले यहाँ पर है चित्र पर आधारित गतिविधि, मतलब एक्टिविटी। उपयुक्त चित्रों को देखकर बताओ कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है बच्चों? गणतंत्र दिवस पर हमारे भारत का संविधान लिखा गया था, इसे हम मनाते हैं 26 जनवरी 1950 को ये लिखा गया था, और हर साल 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और हमारा देश स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 में, इसीलिए हम हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अब हम करते हैं पाठ में प्रवेश। प्रस्तुत पाठ में यह बताया गया है कि प्रकाश के पर्व दीपावली की तरह सभी को अपने मन का दीपक जलाकर समाज को प्रकाशवान करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दीपावली वाले दिन ही हमें प्रकाश करना चाहिए, हमें अपने मन के दीपक को जलाने की भी उतनी ही ज़रूरत है ताकि हमारा ये जो समाज है ये प्रकाशवान हो सके। तो चलिए आगे चलते हैं। पर्वों का मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। पर्व मतलब बच्चों त्यौहार। पर्व त्यौहार मनुष्य के जीवन में उमंग तथा उल्लास का संचार करते हैं। भारत को त्यौहारों का देश कहा जाता है। यहाँ विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। प्रत्येक दिन यहाँ कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। इन त्यौहारों में दीपावली सर्वाधिक आकर्षण और महत्वपूर्ण है। हम सभी हर साल दीपावली का त्यौहार मनाते हैं, परंतु हमने कभी इसके मूल में जाने का प्रयत्न नहीं किया, मतलब कि ये क्यों मनाया जाता है इसकी जड़ तक जाने की हमने कोशिश नहीं की। ना जाने किस भले आदमी के मन में, किस शुभ मुहूर्त में दीपकों के उत्सव की बात आई थी। पंडितों ने इस पर्व का इतिहास खोजने का प्रयत्न किया है, भक्तों का विश्वास कुछ और है एवं पंडितों के अनुसंधान कुछ और, मगर उत्सव है तो बहुत पुराना। बुद्ध देव के जीवन काल में यह उत्तर भारत में अवश्य मनाया जाता था, और सबूत मिला है कि गुप्त काल में भी यह उत्सव मनाया जाता था। मतलब यह है कि कम से कम 2500 वर्षों से मानव चित्त के, मानव के मन के उमंग और उल्लास की कहानी इस पर्व के साथ जुड़ी हुई है। इतना क्या कम है? 200 पीढ़ियों तक जो पर्व मनुष्य के चित्त को आनंद से उद्वेलित कर सका है, क्या यह मामूली पर्व है? राज्यों और राजवंशों के उत्थान पतन होते रहे, मतलब वो आते रहे और जाते रहे, तरह तरह के राजवंश, तरह तरह के राज्य, बड़े बड़े धर्म संप्रदाय उठते गिरते रहे, चंचला लक्ष्मी का प्रसाद न जाने कितने लोगों को प्राप्त हुआ और कितने उससे वंचित हो गए, पर दीपमाला उत्सव नहीं रुका। साधारणतः यह विश्वास किया जाता है कि यह लक्ष्मी पूजा का दिन है। बंगाल में दूसरी परंपरा है, वहाँ इस दिन काली की पूजा होती है। लक्ष्मी पूजा वहाँ आश्विन मास की पूर्णिमा के दिन होती है। निश्चय ही दीपावली के दीर्घ इतिहास में ऐसे अवसर आए होंगे जब शक्तिशाली समझे जाने वाले लोगों को यह उत्सव पसंद नहीं आया होगा। बहुत सारे ऐसे मौके आए होंगे जो जितने भी शक्तिशाली लोग हैं उन्हें ये त्यौहार पसंद नहीं आया होगा, अच्छा नहीं लगा होगा। ऐसे अवसरों पर इस उत्सव को बंद करा देने की आज्ञाएँ भी निकाली गई होंगी। शक्तिशाली राजाओं की कुंचित भ्रकुटियों का शिकार कभी ना कभी इस उत्सव को भी होना पड़ा होगा, पर ऐसा हुआ नहीं। मनुष्य की सम्मिलित सामाजिक मंगल इच्छा को दबाना क्या संभव है?
जो मनुष्य की सम्मिलित सामाजिक मंगल इच्छा, मतलब हर एक मनुष्य यही चाहता है कि दिवाली मनाई जाए, तो क्या उसे दबाना संभव है? दीपावली का उत्सव हर साल यह संदेश दोहरा जाता है, राज्य बदल जाएंगे, राजमुकुट नष्ट हो जाएंगे, बची रहेगी तो सिर्फ मनुष्य की सामूहिक मंगल इच्छा। आज से हजारों वर्षों पहले मनुष्य ने निश्चय किया कि वह दरिद्रता की अवस्था में नहीं रहेगा, वह सामाजिक रूप से समृद्ध रहेगा। मतलब वो दरिद्र नहीं रहेगा, समृद्ध रहेगा, मतलब उसके पास सब कुछ होगा। एक व्यक्ति नहीं, एक परिवार नहीं, एक जाति भी नहीं, बल्कि समूचा मानव समाज समृद्धि चाहता है, अदारिद्र्य चाहता है, अमंगल का अंत चाहता है, उल्लास और उमंग चाहता है। दीपावली का उत्सव इसी सामाजिक मंगलेच्छा का दृश्यमान मूर्त रूप है। समूचा समाज आज दरिद्रता के अभिशाप से मुक्ति चाहता है, वो चाहता है कि उसकी दरिद्रता खत्म हो जाए, अभाव के शिकंजे से छूटना चाहता है। दीपावली उसके इस संकल्प की जलती हुई दीप शिखा है। राजवंश आए और गए, बड़े बड़े समृद्धशाली नगर बने और बिगड़े, किंतु मनुष्य की यह चिर प्रार्थित आकांक्षा पूरी नहीं हुई। आज भी वह देवी लक्ष्मी की पूजा कर रहा है, परंतु पूजा करता है दरिद्रता की पीठ पर बैठकर। आज भी वह महाकालिका की पूजा करता है आतंक और भ्रम से कंपित हृदय लेकर। यह पूजा कब सफल होगी? कब महामाया का वह प्रसन्न मुख प्रकट होगा, जिसे देखकर मनुष्य अभाव की मार से बच सकेगा? कब उसका वह रुद्र रूप दिखाई देगा, जिससे वह भय और आतंक को ध्वस्त होते देखेगा? अभी तक तो ऐसा नहीं हो सका है। महामाया की अद्भुत लीला अभी दुर्भाग्य के विकट अट्ठासों से बाधाग्रस्त है। ऐसा क्यों है? मनुष्य की स्वाभाविक मंगलेच्छा कब पूरी होगी? तो इस लेख में बच्चों, दीपावली से जुड़ी जो मनुष्यों की, सब मनुष्यों की जो एक इच्छा है कि हम समृद्ध हो जाएं, वो कब पूरी होगी, यही प्रश्न किया गया है। आगे चलते हैं। चारों ओर जब अभाव का करुण हाहाकार सुनाई दे रहा है, दीपावली फिर अपना मंगल संदेश लेकर आई है। कई हजार वर्ष पहले मनुष्य ने सामूहिक रूप से समृद्ध होने का संकल्प लिया था, वह संकल्प लेकर आज भी जी रहा है। सामाजिक मंगलेच्छा को आज तक कोई नहीं दबा सका, वह न मरी न भूत हुई, जबकि न जाने कितनी व्यक्तिगत आकांक्षाएं मरकर भूत हो गईं, कितने व्यक्तिगत प्रयत्न सदैव के लिए समाप्त हो गए। दीपावली यह संदेश लेकर आती रही है कि मनुष्य की इच्छा नश्वर है, प्रयत्न भी अमर रहेगा, अब व्यक्तिगत प्रयत्नों का जमाना लद गया, उसकी परीक्षा पूरी हो चुकी, अब सामाजिक मनुष्य की मंगलेच्छा जीतेगी और सामाजिक मनुष्य को सब प्रकार के अभावों और बंधनों से मुक्त करने की साधना सफल हो जाएगी। तो बच्चों, यहाँ पर हमें दिए हुए हैं कुछ कठिन शब्द। पाठ मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, यहाँ पर दीपावली से जुड़ी कुछ मूल बातें की गई थी। वहाँ ये बताया गया था कि हर इंसान समृद्ध होना चाहता है, तो ये एक सामूहिक मंगलेच्छा है और इसके लिए प्रयत्न भी सामूहिक ही होने चाहिए। अगर हम व्यक्तिगत प्रयत्न करेंगे तो कोई तो समृद्ध हो जाएगा और कोई नहीं हो पाएगा। तो चलिए, इसी पाठ से जुड़े यहाँ पर कुछ कठिन शब्द दिए हुए हैं, मैं आपके लिए उन्हें पढ़ती हूँ। उल्लास, संचार, त्यौहार, सर्वाधिक, आकर्षक, मुहूर्त, गुप्तकाल, उद्वेलित, संप्रदाय, आश्विन, पूर्णिमा, कुंचित, भ्रकुटी, मंगलेच्छा, अदारिद्र्य, समूचा, शिकंजा, अभिशाप, दरिद्रता, ध्वस्त, बाधाग्रस्त, आकांक्षाएं, व्यक्तिगत, चिर प्रार्थित। यहाँ पर हमें शब्द अर्थ दिए हुए हैं जिन्हें आपको अपनी पाठ्य पुस्तिका में लिखना है, और आपको ये कठिन शब्द भी अपनी पाठ्य पुस्तिका में लिखने हैं। तो शब्द अर्थ हैं हमारे
उत्सव का मतलब होता है, अर्थ होता है त्योहार। आकांक्षा का अर्थ है इच्छा। अनुसंधान, प्रयोग, खोज, चारों ओर, सब जगह, सर्वत्र। अदारिद्र्य, समृद्धि। व्यक्तिगत, निजी। मूर्त, दिखाई पड़ने वाला। मंगल इच्छा, मंगल की इच्छा, मंगल कामना। संकल्प, प्रतिज्ञा। समृद्धशाली, विकसित। अब हम करते हैं बात पाठ की, तो हमें बताना है मौखिक प्रश्नों का उत्तर। बताओ क्या पढ़ा? दीपावली के दिन किसकी पूजा की जाती है? दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी और महाकालिका की पूजा की जाती है। दीपावली को और किन किन नामों से जानते हैं? दीपावली को दीपमाला, दीपावली, दीवाली आदि नामों से जानते हैं। किस प्रकार के प्रयत्नों का जमाना लद गया? व्यक्तिगत प्रयत्नों का जमाना लद गया। दीपावली का पर्व कब मनाया जाता है? दीपावली का पर्व कार्तिक मास की, जो कार्तिक का महीना आता है बच्चों, उसकी अमावस्या को मनाया जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है बच्चों। बंगाल में दीपावली के दिन किसकी पूजा होती है? किसकी होती है? काली की। दीपावली हमें क्या सीख देती है? उल्लास और उमंग की, या फिर प्रकाश और समृद्धि की, या फिर इन दोनों की, या किसी की भी नहीं, इन दोनों की। हमें उल्लास और उमंग की भी सीख देती है और प्रकाश और समृद्धि की भी। दीपावली का पर्व कब मनाया जाता है? अमावस्या को। दीपावली का संधि विच्छेद होगा बच्चों ये दीप प्लस अवली, दीपावली। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आप ये सब मेरे साथ साथ करते जाएंगे। सही शब्द चुनकर हमें रिक्त स्थान को भरना है। देश को त्योहारों का देश कहा जाता है? भारत। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बच्चों, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? भारत। ठीक है, त्योहार लोगों के जीवन में नया क्या लाता है? उमंग और साहस। उमंग और साहस। बंगाल में इस तिथि को डैश की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? काली। महामाया की अद्भुत लीला अभी डैश के विकट अट्ठासों से बाधाग्रस्त है। दुर्भाग्य। भारत त्योहारों का देश है? सही। दीपावली को शिव की पूजा की जाती है? नहीं, दीपावली को माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। दीपावली का पर्व अमावस्या को मनाया जाता है? बिल्कुल सही। दीपावली का दूसरा नाम दिवाली है? बिल्कुल। बंगाल में दीपावली को काली की पूजा की जाती है? ये भी बिल्कुल सही। तो आपको ये सब समझ में आ रहा होगा बच्चों। आप अपनी पुस्तक में या फिर अपनी पाठ्य पुस्तिका में ये सारे अभ्यास आप मेरे साथ साथ करते जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। दीपावली का उत्सव कौन सा संदेश दोहराता है? दीपावली का उत्सव यह संदेश दोहराता है कि राज्य बदल जाएंगे, राजमुकुट नष्ट हो जाएंगे, बची रहेगी तो सिर्फ मनुष्य की सामूहिक मंगलेच्छा। ठीक है ना बच्चों? आज से हजारों वर्ष पहले मनुष्य ने क्या निश्चय किया था? आज से हजारों वर्ष पहले मनुष्य ने सामूहिक रूप से समृद्ध होने का निश्चय किया था। पूर्णिमा किसे कहते हैं? पूर्णिमा का मतलब है जब चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। पूर्णिमा चंद्र चक्र का एक चरण है। ये महीने में एक बार आती है। ठीक है, जब चंद्र चक्र होता है तब पूर्णिमा होती है। पूर्णिमा के दिन हमें चांद पूरा दिखाई देता है।
आज मनुष्य दीपावली के त्यौहार पर लक्ष्मी की पूजा करते समय वास्तव में किसकी पूजा करता है? आज मनुष्य लक्ष्मी की पूजा तो करता है, परंतु दरिद्रता की पीठ पर बैठकर। आज मनुष्य महाकालिका की पूजा तो करता है, परंतु आतंक और भ्रम से कंपित हृदय लेकर। वो बिल्कुल खुले दिल से उस पूजा को नहीं कर पाता, क्योंकि आज मनुष्य ने व्यक्तिगत समृद्ध होने का संकल्प ले रखा है। उसे वो संकल्प तोड़ना है और सामूहिक समृद्धि का संकल्प लेना है। सही मायनों में वही होगी हमारी दीपावली। तो बच्चों, मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप इस पाठ को दोबारा से पठन करेंगे और इसके जितने भी अभ्यास कार्य हैं उन्हें अच्छे से करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आभार, मिलते हैं एक नए पाठ के साथ।